हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, सुबह के 5 बज गए हैं और मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दी है। और कल तो कपड़े लत्तों का काम ख़त्म किया था, मतलब धुलाई वगैरह कर दी थी कपड़ों की। और आज देखते हैं बाकी का काम ख़त्म करेंगे। और आजकल हम बाहर ही लेट जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है गर्मी में। वैसे तो हम पहले कभी भी बाहर नहीं लेटते थे, लेकिन आजकल हम बाहर ही लेटते हैं क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा लगता है और अंदर तो घुटन की वजह से नींद भी आना मुश्किल हो जाता है। बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं, स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं वो। यहाँ पे मेरा ब्रश वगैरह सब हो गया है और अब मैं अपने योगा वगैरह कर लेती हूँ। और ये काम भी हमें बहुत ज़रूरी करना चाहिए अगर हमें फिट रहना है, बीमारी से मतलब मुक्ति चाहिए हमें, तो योगा वगैरह बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। और गांव में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शहर में, शहर के काम ऐसे नहीं होते हैं, थोड़े हल्के फुल्के से ही काम होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहर में काम होता ही नहीं है, काम तो बहुत होता है, सुबह से शाम तक लगे रहो, जब भी काम ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेता है। यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ आज बच्चों के लिए, सुबह सुबह में बच्चे दलिया ही खा लेंगे। तो दलिया मैंने चढ़ा दिया है, ये भगोने में ही बनाऊंगी गैस पे। और तब तक मैं नहा धो के आ गई हूँ, दलिया मेरा पक रहा है, मैंने गैस धीमी करके चढ़ा दिया है क्योंकि मेरा मंदिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और बिल्कुल भी ना गंदे उसमें जी नहीं लगता है। तो मैं मंदिर की सफाई नहाने धोने के बाद ही करती हूँ, और ये मंदिर के बर्तन थे इन्हें भी साफ़ कर दूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी पूजा वगैरह करूंगी क्योंकि गंदे मंदिर में तो पूजा करने का भी मन नहीं करता है। और मंदिर मैंने अपना अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, पोचा वगैरह लगा दिया है, यहाँ पे मैं ये बर्तन भी साफ़ कर दूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ वगैरह करूंगी। नाश्ता कर रहे हैं, इनको मैंने दलिया दे दिया है और मुझे दलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने चाय के साथ में थोड़ी सी नमकीन ले ली थी। और कपड़े लत्ते तो मैंने कल वॉश कर दिए थे, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, तो आज मैं कपड़ों की तय वगैरह कर देती हूँ। और वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि क्या करूँ, पता नहीं चल पा रहा था कहाँ से काम स्टार्ट करूँ क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फैले हुए पड़े हैं, बेड वगैरह कुछ भी नहीं है जो नए कपड़े अलग निकाल के रख दूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन वही है ना, अगर हमें एडजस्ट करना हो तो हम कहीं पर भी कर लेते हैं। तो इस रैक में ही अपने कपड़े सभी तय करके अच्छी तरह से लगा दूंगी। तो किराए के घर में ऐसा ही होता है, अगर किराए के घर में बिना अलमारी और बिना बेड के कपड़े लगाने हैं तो हम इस तरह से रैक वगैरह में अपने कपड़े लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अच्छी तरह लग जाते हैं तो कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और घर भी साफ़ सुथरा लगता है। लेकिन अगर कपड़े लगते ऐसे ही दो दो तीन दिन से ऐसे ही फैले हुए पड़े थे, कहीं पे बैग रखे हैं, कहीं पे कपड़े रखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं लग रहा था घर में। और बार बार ना गंदगी को देख के गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने अब अच्छी तरह से, आप लोग देख सकते हो, क्लीन कर रही हूँ। और कुछ बच्चों की किताबें वगैरह भी ऐसे ही फैली पड़ी हैं क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे कल से, तो तभी किताब वगैरह समेट पाऊंगी। और एक कमरा है, सब काम एक कमरे में ही करने पड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई नहीं, अगर हम अपना काम समय पर करते रहें तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती है। और वैसे भी अब मैं घर पे गई हुई थी गांव में, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो अपना मतलब साथ के साथ ही काम ख़त्म कर दिया करूँगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
दिक्कत जब भी होती है जब हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत अपना रोज़ रोज़ काम करते रहें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि शहर में रह रहे हैं तो यही है बस झाड़ू पोछा और खाना, बाकी बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें ज़रूरी करने होते हैं, क्योंकि गंदे घर में तो किसी का भी मन नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ, ये देखिए सुबह के बर्तन भी कितने सारे हो जाते हैं, तो बर्तन वगैरह अपने अच्छे से क्लीन कर दूंगी और बाकी मेरा किचन रह जाएगा उसको मैं बाद में साफ़ करूंगी। धीरे धीरे कर रही हूँ, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, क्योंकि एक साथ सारा काम मैं नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा करूंगी तो घर भी साफ़ हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कदमे को मेरा घर साफ़ हो गया। और घर से आने के बाद ना, मतलब गांव से आने के बाद ये दिक्कत होती है, 2-4 दिन लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई में, नहीं तो वैसे तो रोज़ करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और गाइस, अगर किराए का हमारे पास एक कमरा है तो उसे साफ़ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो सभी मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, किराए पे वैसे तो मतलब होता है, अपना बजट होता है, वो तो कोई पूरा मकान भी ले सकता है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, हम एक कमरे का किराया ही पता नहीं किस तरह से भरते हैं, क्योंकि सभी काम अपने बजट के हिसाब से ही करने पड़ते हैं। तो गाइस, एक कमरे में ही मतलब सब कुछ है हमारा, जैसे खाना पीना वगैरह, रहना, पूजा पाठ, बच्चों की किताबें वगैरह, सब काम एक कमरे में ही हमें करना पड़ता है। और कुछ किचन भी इतना छोटा है, मुझे किचन का आधा सामान भी अपने कमरे में ही रखना पड़ता है। तो घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। एक तो साथ के साथ ना अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ, तो मैं साथ के साथ किचन पे मतलब अपनी स्लेब पे और गैस पे कपड़ा लगा दूंगी गीला, तो साथ के साथ ये भी साफ़ हो जाएगी तो साफ़ ही रहेगा। और बाकी जो हमारे डिब्बे वगैरह होते हैं, जैसे कि हम दूध वगैरह गर्म करते हैं, उन्हें भी हम साथ के साथ साफ़ कर दें, कपड़ा गीला सा लगा दें तो ज़्यादा गंदा किचन नहीं होता है। इस तरह से हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। वही होता है ना, अगर छोटे मोटे काम में हम आलकस कर जाते हैं तो बाद में फिर वो घना हो जाता है और हमें करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे काम को अपने साथ के साथ ख़त्म करके चले तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और काम करने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और वैसे साफ़ सफाई का सभी काम मेरा हो गया है ख़त्म, तो यहाँ पर मैं आज दाल बना रही हूँ, क्योंकि सभी सामान घर में ख़त्म हो रखा है और अभी 2-4 दिन ऐसे ही मतलब निकालने पड़ेंगे। तो दाल रखी हुई थी थोड़ी, मैंने सोचा दाल ही बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं साथ के साथ ही दाल छौंक दूंगी, क्योंकि मैं आज दाल उबाल के नहीं बनाऊंगी, आज मैं मसूरी की दाल बना रही हूँ लाल वाली। तो दाल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, वैसे तो दाल साफ़ ही थी लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है कहीं कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ ना हो इसमें, लेकिन दाल साफ़ सुथरी थी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज काटने के बाद में ही दाल वगैरह मैं फ्राई करूँगी। तो गाइस, सब्जी का सामान मेरा सभी तैयार हो गया है और मैंने सब्जी वगैरह सभी बना दी थी, तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और गाइस, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बहुत बहुत सपोर्ट करें। और अपना ध्यान रखें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और गर्मी से बच के रहे, ठंडा पानी लस्सी वगैरह पीते रहे,
तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, जैसा भी आपको लगा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको हमारी, राम राम।